यूपी लोकसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। वैसे कि इस बार कांग्रेस मथुरा से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को मैदान में उतार सकती है। वैसे तो यूपी के लिए कांग्रेस ने अभी तक 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है, जबकि 4 सीटों के लिए प्रत्याशियों पर मंथन जारी है, जिसमें एक सीट मथुरा भी है जहां से कांग्रेस बॉक्सर विजेंद्र सिंह पर दांव लगा सकती है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और न ही मथुरा सीट से उनके नाम का ऐलान किया गया है, लेकिन सियासी गलियारों में उनके नाम की चर्चा जोरों पर है। वैसे तो इस बार यूपी में कांग्रेस और सपा एक साथ मिलकर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं और दोनों बीजेपी को हर हाल में पराजित करने की पुरजोर कोशिश में लगे हैं। मथुरा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर से ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि लगातार बीजेपी के टिकट पर 2 बार यहां से चुनाव लड़ी और दोनों बार जीती और अब वो हैट्रिक लगाने की तैयारी कर रही हैं। वहीं कांग्रेस में मथुरा सीट पर कई दावेदार हैं, लेकिन विजेंद्र का नाम रेस में सबसे आगे है। कांग्रेस की बची 4 सीटों में अभी रायबरेली और अमेठी सीट से भी किसी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। हालांकि इन दोनों सीटों से गांधी परिवार के ही किसी सदस्य के चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि यूपी कांग्रेस ने इन दोनों सीटों से गांधी परिवार से ही किसी को चुनाव लड़ाने का प्रस्ताव दिया था। खैर, अब कांग्रेस बची सीटों पर किस किस को मैदान में उतारती है वो तस्वीर ही अब जल्द साफ हो जाएगी।